सबसे पहले आपको सेटिंग खोज के सेटिंग को ओपन करना है। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि सिस्टम अपडेट का ऑप्शन, यहाँ पे आपको सिस्टम अपडेट पे क्लिक करना है। यहाँ देख सकते हो आपके फन टच ओएस और जो आपका अभी करेंट का जो अभी वर्ज़न है वो आप देख लो। करेंट वर्ज़न है PD2034BFEXA1.7.3, ठीक है। और इसका जो अपडेट वर्ज़न जो होने वाला है, ये होने वाला है अपडेट वर्ज़न जो है वीवो का RE1.7111। ये जो है 240 यानी 239 MB का आपको ये अपडेट वर्ज़न जो आया है अभी। और इसमें क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। तो इसके नीचे जस्ट लिखा हुआ देख सकते हैं आप, द न्यू वर्ज़न ब्रिंग यू द मोर स्टेबल सिस्टम, वीवो अवेट्स यू अपडेट, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ देख सकते हो सिस्टम में लिखा हुआ है कि क्या क्या आपको सिस्टम में जो इम्प्रूव हुआ हुआ है। पहले चीज़ देखिए कि इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी है, जो सिस्टम में जो इस प्रॉब्लम जो आ रहा है तो उसके लिए ये जो अपडेट आया है वो इससे थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। ऑप्टिमाइजिंग में जो प्रॉब्लम आता है, ऑप्टिमाइज द कंपेटेबिलिटी बिटवीन द सिस्टम एंड सम थर्ड पार्टी ऐप, तो उसमें ये ऑप्टिमाइज करेगा अच्छे तरीके से। और जो नीचे देखिए, अपडेट गूगल सिक्योरिटी पैच टू इम्प्रूव सिस्टम सिक्योरिटी, तो ये सिस्टम सिक्योरिटी को भी ये अपडेट करेगा गूगल सिक्योरिटी के थ्रू। और हाँ, कैमरा में एक प्रॉब्लम तो अभी आ रहा भाई, देखिए कैमरा में कुछ प्रॉब्लम है मैंने देखा है। तो उसके लिए मैंने अपडेट से पहले कुछ शॉट्स ले ली हैं और फ्रंट कैम से और बैक कैम से मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया, वो भी मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा, आप देख लेना। और अपडेट के बाद भी मैं एक कैमरा का डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, फ्रंट कैम का, बैक कैम का और स्टिल फोटो वोटो का भी, सबका मैं अलग से अपडेट के बाद भी मैं एक बना दूंगा वीडियो, वो भी मैं डाल दूंगा अपने चैनल पे। तो यहाँ पे देख सकते हो कैमरा में क्या है, इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ कैमरा ऑपरेशन, ऑप्टिमाइज द फोटो इफेक्ट इन सर्टेन सिनेरियो, तो ये कैमरा में कुछ इम्प्रूव होने वाला है, स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम है तो वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। देखते हैं आपके नेटवर्क में क्या है, ठीक है। ये नेटवर्क बहुत से एरिया में कुछ प्रॉब्लम आता है, तो पढ़ते हैं क्या है, ऑप्टिमाइज द नेटवर्क अडेप्टेबिलिटी इन सम रीज़न फॉर अ मोर स्टेबल नेटवर्क कनेक्शन। तो क्या होता है ना कि बहुत से लोकेलिटी में, बहुत से एरिया में आपको प्रॉपर नेटवर्क नहीं मिलता है, तो इस अपडेट के थ्रू मे बी आपको नेटवर्क अच्छा मिले, नेटवर्क मीन्स कॉलिंग में प्रॉब्लम ना हो और किसी तरह कोई भी नेट सर्फिंग में या और भी में किसी तरह कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए ये अपडेट आया है। कॉशन पढ़ सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, और चाहें तो नहीं भी पढ़ सकते हैं। तो कॉशन में ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं रहता है, ये आपको हम पहले बता दे रहे हैं। और कॉशन लोग उतने लोग पढ़ते भी नहीं है, इसमें क्या नॉर्मल सी रहता है कि आप जब डाउनलोड करोगे, अपडेट करोगे, तो आपका जो डेटा है वो लॉस्ट नहीं होगा। द सिस्टम अपडेट डज नॉट ऑक्यूपाई द फोन मेमोरी स्पेस एंड डज नॉट इफेक्ट द रनिंग स्पीड ऑफ द फोन, ये सब रहता है इसमें। और टेम्परेचर थोड़ा बहुत राइज हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये सब रहता है अपडेट के ड्यूरेशन में। तो फिर अब इसके बाद चलिए डायरेक्ट फिर डाउनलोड और इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। और अब टाइम देख सकते हैं भाई कि ये 4:52 हो रहा है, तो ये भाई अर्ली मॉर्निंग की वीडियो है, ये सुबह के 4:52 हो रहे हैं। तो भाई इससे आप पता लगा सकते हो कि मेरे पास टाइमिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा टाइमिंग का इशू है, तो थोड़ा सा माइनस करो भाई आप भी। तो ये देखिए अपडेट हो रहा है। नाइन्टी सेवन, 98, 99 और ये पूरा 100 हो गया, वेरीफाई अपडेट पैकेज। तो यहाँ से वीवो खत्म कहानी। यहाँ पे पूरा ब्लैंक हो गया है स्क्रीन, अब क्या होगा अपडेट होने के टाइम। हाँ अब ये देखिए, ये आ गया वीवो पावर्ड बाय एंड्रॉयड, जैसा जो आप बूट करके ऑन करते हो तो उसी टाइप में ये भी लग रहा है, वीवो पावर्ड बाय
एंड्रॉइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्टिमाइज द ऐप, मीन्स यहाँ पे 110 ऐप है, तो ये सारे ऐप को ऑप्टिमाइज करेगा वन बाय वन। अभी इसके बाद लगता है फिर से ये ऑफ होगा या फिर ऑन होगा, देखते हैं क्या होता है। चलिए अब हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि कौन सा वर्ज़न अपडेट होने के बाद आया है। सिस्टम अपडेट में आगे क्लिक करना है, सिस्टम अपडेट क्लिक, ये आप देखिए फन टच ओएस जो वहाँ पे अपडेट वर्जन था वही, और यहाँ पे लिखा हुआ है द सिस्टम इज़ ऑलरेडी द लेटेस्ट वर्जन, तो ये अपडेट हो चुका है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। और इसके बाद मैं इसका कैमरा का एक डेडिकेटेड वीडियो एक अलग से और बनाऊंगा। मैं पहले बोल चुका हूं कि अपडेट होने से पहले मैंने कैमरा का वीडियो बना के ले चुका हूं, वो भी मैं अपलोड करूंगा अपने चैनल पे, और अपडेट होने के बाद भी मैं इसका अलग से कैमरा फ़ोटो वीडियो सारा का फिर से बना के एक और अपलोड कर दूंगा। तो भाई वीडियो तो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, अपने भाई को सपोर्ट के तक का भाई आगे बढ़ते ग्रो करते, भाई खुश रहें, हंसते रहे, जहाँ रहें आबाद रहें।